तो एपिसोड 11 में हम देखते हैं कि आखिर उस सेल में जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है। तभी वो अपने सामने उस फ्यूचर डेविल को देखता है। फिर वो डेविल बार बार कहने लगता है कि फ्यूचर रूल करता है। फिर आखिर उसके सामने जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आया हूँ। और वो डेविल कहता है कि तुम्हारा बिहेवियर काफी रूड है, मगर चाहे कुछ भी हो मुझे तुम्हारा फ्यूचर दिखाओ, मैं तुम्हारे फ्यूचर के हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करूंगा। और वो आगे कहता है, जल्दी करो, तुम्हारा मुंह मेरे शरीर के अंदर डालो और इसी तरह से मैं तुम्हारा फ्यूचर देखूंगा। और ये सुनकर आकी हैरान होता है, मगर वो आगे बढ़ते हुए उस डेविल के पेट के अंदर अपना सर डाल देता है। फिर हम देखते हैं कि वो डेविल अचानक से हंसने लगता है और वो कहता है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट के कुछ नियम है, तुम मुझे तुम्हारे राइट टाइम में रहने दो और इसी तरह से मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा फ्यूचर अपनी आंखों से देखूँ, क्योंकि तुम अपने फ्यूचर में बहुत बुरी मौत मरने वाले हो। और वो डेविल आगे कहता है कि तुम जानना नहीं चाहते तुम किस तरह से मरोगे। इस पे आकी कहता है, नहीं, मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उन्हें मारना चाहूंगा। अब मुझे कोई परवाह नहीं कि आगे मेरे साथ क्या होगा। और आकी उससे कहता है कि अब तुम मेरे आंख में रह सकते हो। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि देंजी और पावर किसी भी सैंपाई से पीट कर गिरे हुए होते हैं। और वे कहते हैं कि अभी तुम लोग अच्छा कर रहे हो, इसलिए अब हमें डेली ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं, अब हम इसे हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। और वे कहते हैं कि बैटल में हमेशा अपना दिमाग शांत रखो और दूसरा अपना वेपन अपने पास, अब तुम कल के रियल कॉम्बैट के लिए तैयार हो। और यहाँ देंजी और पावर को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता और किसी भी सैंपाई उन्हें बताते हैं कि जिन्होंने हिमेनो और हमारे बाकी साथियों को मारा हम उन्हें कल पकड़ने जाएंगे और ये हम नए स्पेशल डिवीजन 4 के लिए करेंगे। अगर हमारा ये मिशन फेल होता है तो डिवीजन 4 भी खत्म हो जाएगा। और ऐसा हुआ तो तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। तभी देंजी कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं आपको नहीं मार सकता क्योंकि आपने ही हमें स्ट्रांग बनाया है। मैं सारे डेविल्स को मार दूंगा और ऐसा हुआ तो माकी-मासान मुझे डेट करेंगी, ये लड़का भी ना। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे किसी भी सैंपाई माकिमा के साथ बैठे होते हैं और वहाँ माकिमा उनसे कह रही होती है कि देंजी और पावर को ट्रेन करने के लिए आपका शुक्रिया। फिर वे माकिमा से कहने लगते हैं कि जब भी मैं किसी को ट्रेन करता हूँ और वो मार जाता है तब मैं और भी ज्यादा पीता हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे खिलौने टूट जाएंगे तो मुझे कुछ महसूस नहीं होगा, मगर मेरा दिमाग मेरे एज के साथ कमजोर होने लगा है, अब तो मुझे कुछ खिलौने से भी फीलिंग आने लगी है। इस पे माकिमा कहती है, आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हो? तब वे कहते हैं कि पब्लिक सेफ्टी बेवकूफ नहीं है, तुम्हें पता था कि स्पेशल डिवीजन पर अटैक होने वाला है फिर भी तुमने ये होने दिया। फिर माकिमा उनसे कहती है कि मैं तो एक गन फायर से बचकर आ रही हूँ। इस पे वे कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, जब तक तुम इंसानों की तरफ हो मैं इस बात को छोड़ रहा हूँ। इस पे माकिमा कहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेविल से बचाना चाहती हूँ, अगर ये मिशन सक्सेस हुआ तो डिवीजन 4 के पास ज्यादा फ्रीडम होगा और हम डेविल से ज्यादा लोगों को बचा सकते हैं। और ये सुन के किसी भी सैंपाई कहते हैं कि तुम झूठी हो और ये सुन के माकिमा एक स्माइल दे देती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कटाना मैन से कोई कह रहा होता है कि बॉस विला जा चुके हैं, अब आपको भी वहाँ जाना चाहिए। और यह सुन के वहाँ अकाने कहती है कि जब तक माकिमा जिंदा है तुम जापान में कहीं भी भाग नहीं सकते, हम लोग एनिमी को जंग में उलझा कर रखे हैं। फिर वो कटाना मैन कहता है कि यहाँ पे अगर मेरे ग्रैंडपा होते तो वो कभी भी भागने की कोशिश नहीं करते। और वो देंजी डिवीजन 4 में है, जब मैं अगली बार उसे मिलूंगा तब मैं उसके हार्ट को तबाह कर दूंगा। फिर अकाने कहती है कि तुम्हारे लीडर के बारे में तुम परेशान मत हो क्योंकि वो अगली बार भी मारा जाएगा तब भी मैं उसे बचा लूंगी। और वो गार्ड से कहती है अगर तुम यहाँ रहे तो तुम काटे जा सकते हो। और उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता और वो कटाना मैन कहता है मेरे ग्रैंडडैड का गिफ्ट जो हमारा सीक्रेट वेपन है वो हमारे नीचे है और वो है एक ज़ॉम्बी आर्मी। और तभी अकाने कहती है इंसान जब ज़ॉम्बी से काटे जाएंगे तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे और इसी तरह से हम स्पेशल डिवीजन 4 को तबाह कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि आखिर कार में से उन दो डेविल हंटर के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी वहाँ पे कुरोसुकुन कहता है कि हम यहाँ पे टोक्यो के हालात देखने जा रहे हैं और हम इसके बाद क्योटो वापस चले जाएंगे। फिर वो आखिर से सवाल पूछते हुए कहता है मैं जानता हूँ तुम गन डेविल के पीछे हो, मगर तुम्हें सच में लगता है तुम उसे मार सकते हो? तुम एक बैटल हार गए जिसमें तुम्हारे 20 साथी मारे गए, तुम्हें आखिर ऐसा क्यों लगता है तुम उसे मार सकते हो जिसने कुछ ही सेकंड में मिलियंस लोगों को मार दिया? और वो आगे कहता है मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है, तुम काफी कमजोर हो फिर भी तुम खुद को ऐसे गोल दे रहे हो जैसे कोई मांगा का कोई एमसी खुद को देता है। इस पे आकी कहता है तुम्हें बस इतना करना है कि मेरे पीछे खड़े रहना है और जब मैं हार जाऊंगा या फिर मारा जाऊंगा तब तुम मुझ पर हंस सकते हो। और वो आगे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि आकी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया होता है और वहाँ से जाते हुए वो उनके एडवाइस के लिए थैंक यू कहता है। फिर कुरेसुकुन आकी से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, फिर
फिर भी मैं तुम्हें एक लास्ट एडवाइस देना चाहूंगा। और वो कहता है कि स्पेशल डिवीजन में हर कोई पागल है, तो तुम केयरफुल रहना। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि माकिमा किसी के सामने बैठी होती है और वो बंदा कहता है कि इनसे मिलिए, ये हमारे गेस्ट पब्लिक सेफ्टी से। और माकिमा उनके कोऑपरेशन के लिए थैंक यू कहती है और वो आदमी कहने लगता है कि मुझे पता चला कि हमारे गैंग मेंबर्स ने टोक्यो पे गन फायर की है और तुम जो कुछ भी जानना चाहती हो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं ये गन फायर की ऑर्डर हमने नहीं दी। और फिर वो अकाने की फोटो दिखाते हुए कहता है कि इसने हमारे गैंग मेंबर के साथ मिलकर गन फायर किया है और वो कहने लगता है कि इस लड़की की मदद से उन्होंने भी गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस पे माकिमा कहती है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, और इस पे वो बताने लगता है कि वे 20,000 यन गन डेविल को पेमेंट करेंगे और इसके बदले में कॉन्ट्रैक्टर को गन और एमो मिलता है। और माकिमा उनसे कहने लगती है कि तुम्हारे गैंग में से किन लोगों ने गन डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है तुम उनकी लिस्ट मुझे दे दो। और ये सुन के वो बंदा कहता है कि मिस आप समझ नहीं रहे हैं, अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा तो हमारे बीच इंटर फैमिली वॉर हो सकता है और फॉरेन माफिया भी जापान में आ सकती है। और वो बंदा कहता है कि जैसे डेविल हंटर्स लोगों की सुरक्षा करते हैं वैसे याकुजा में हम फॉरेनर्स से जापानी लोगों की सुरक्षा करते हैं। तभी माकिमा उन्हें एक पॉकेट देती है और वो आदमी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। तभी माकिमा कहती है कि ये पैसे नहीं है और वो आगे कहती है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके माता पिता भाई बहन और जितने भी करीब के लोग हैं उनकी सबकी आंखें हैं। फिर वो आदमी बैग खोलकर देखने लगता है और वो एकदम से हैरान होता है और माकिमा उसे कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि पब्लिक सेफ्टी में कोई ऐसा है जो इसे ठीक कर सकता है और ऐसा तभी होगा तब तुम हमें कोऑपरेट करोगे। तभी एक बंदा माकिमा को पीछे से मारने के लिए आता है और माकिमा उसकी तरफ देखती है और उस बंदे के नाक से ब्लड आने लगता है और वो नीचे गिर के मर जाता है। और तभी माकिमा खड़ी होती है और कहने लगती है कि नेसेसरी विल ये तो बस बहाना है अपने क्राइम छिपाने का और सोसाइटी को ऐसे बहाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में अकाने और वो कटाना मैन होता है उसे पुलिस और पब्लिक सेफ्टी ने पूरी तरह से घेर लिया होता है। तभी अकाने कहने लगती है कि जितने एजेंट्स को हो सके उन्हें मार दो और देंजी का हार्ट ले आना। और फिर वो आगे कहती है कि मैं अपने स्नेक डेविल का यूज करूंगी तो हम दोनों यहाँ से भाग सकेंगे। और वो कटाना मैन कहने लगता है कि मैं उस देंजी के हार्ट को तबाह कर दूंगा। इस पे अकाने कहती है कि ज्यादा उड़ो मत। और फिर हम उस बिल्डिंग के बाहर देखते हैं वहाँ पे देंजी और पावर के साथ कोबिनी भी आई होती है और उस ट्रेनिंग के बाद देंजी और पावर लड़ाई के लिए एक्साइटेड होते हैं और कोबिनी हमेशा की तरह डरी हुई। और तभी वहाँ पे आकी आ जाता है और वो किसी भी सेंपाई से पूछने लगता है कि प्लान क्या है। इस पे वे कहते हैं कि कोई प्लान नहीं है, हम स्पेशल डिवीजन के हर एक मेंबर को अंदर भेज देंगे। और वो चारों अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला कहता है मैं शिना कानागावा से, और वहाँ पे डेविल एक्सटर्मिनेशन के डिवीजन 2 से भी एक बंदा आया होता है और किसी भी सेंपाई उन्हें बताते हैं कि मैं स्पेशल डिवीजन 4 का कैप्टन हूँ। फिर वे उन दोनों को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहते हैं कि तुम पुलिस के साथ मिलकर फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर को बंद कर दो और स्पेशल डिवीजन 4 अंदर जाएंगे। बस तुम्हें इतना जानना होगा कि स्पेशल डिवीजन 4 में ज्यादातर लोग ह्यूमन नहीं है। फिर किसी भी सेंपाई उन्हें स्पेशल डिवीजन के मेंबर्स को लेकर वॉर्न करते हैं और उनके बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं। तभी हमें उस बिल्डिंग के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और वहाँ पे शार्क जैसा एक बंदा दीवारों के अंदर से आता है और हमें पता चलता है कि वो एक शार्क फिंड है। वो दीवारों और सतहों के भी आर पार जा सकता है और वो अपने बॉडी को शार्क में कन्वर्ट करके बहुत से ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। और हमें एक और फिंड दिखाया जाता है, उसका नाम होता है वॉयलेंस फिंड और वो भी ज़ॉम्बीज को धो रहा होता है। ज्यादातर फिंड कमजोर होते हैं मगर ये एक एक्सेप्शन है जो एक तरह का पॉइजन वाला मास्क पहनता है अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए। तभी वो देखता है कि एक लड़की ज़ॉम्बीज के बीच में होती है और वो वॉयलेंस फिंड उसे कहता है ये ह्यूमन वहां से निकल जाओ। फिर वो लड़की सर उठाकर देखती है और वो भी एक डेविल होती है जो स्पेशल डिवीजन 4 की मेंबर होती है और उसका नाम होता है स्पाइडर डेविल जिसके 2 से ज्यादा पेयर होते हैं। और ये डेविल इंसानों के बीच में रहने के लिए उनका बेस बना के रहती है मगर एक डेविल तो एक डेविल ही होता है जो उन्हें मार देती है जो उसे अलग नजर से देखती है और हम देखते हैं कि वो भी काफी सारे ज़ॉम्बीज को मार देती है। फिर हमें एक और डेविल दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एंजल डेविल और वो भी स्पेशल डिवीजन 4 से होता है और ये डेविल इंसानों के साथ ही रहता है मगर ज्यादातर इंसानों से दूरी रहता है क्योंकि इसके छूने से लाइफ स्पैन कम हो जाती है और ये अभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। और वो आकी से रुमाल मांगने लगती है और उनके पीछे सारे लोग लड़ रहे होते हैं और वो आकी से कहती है अगर तुम मुझे टच करोगे तो तुम्हारी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि एक शूटर उन पर गन फायर कर देता है लेकिन एंजल डेविल अपने विंग्स की मदद से आकी को कवर करती है
फिर आके एक ही झटके में उसे ढेर कर देता है। फिर वो उस एंजल डेविल को उनकी मदद करने के लिए वहाँ रुकने के लिए कहता है और वो अकेला ही अंदर चला जाता है और वहाँ से आकी आगे बढ़ने लगता है और वो अपने सामने अकाने को देखता है और वो अकाने से कहता है कि सरेंडर कर दो। तभी अकाने अपने स्नेक डेविल को बुलाती है। तभी आकी के सामने एक घोस्ट डेविल आता है और अकाने उसे आकी को मारने का ऑर्डर देती है और उस घोस्ट डेविल को देखकर आकी हैरान हो जाता है और वो घोस्ट डेविल आकी को मारने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन आकी अपने तलवार की मदद से उसके हाथ काटने लगता है और यह देखकर अकाने कहती है तुम पिछले बार से काफी अच्छा कर रहे हो। और तभी वहाँ पे फ्यूचर डेविल आकी से कहने लगता है तुम चाहो तो थोड़ा सा फ्यूचर देख सकते हो। और हम देखते हैं कि आकी उसके नहीं सुनता। फिर वो घोस्ट डेविल आकी पर भारी पड़ने लगता है और वो आकी का गला पकड़ लेता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ आपको चेंसो मैन के एपिसोड 12 के साथ। तब तक के लिए आरा आरा सायोनारा।